तो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। तो आज की जर्नी हमारी कुआलालंपुर में हमारी फर्स्ट ऑफिशियल डे है और यहाँ पे हम आज जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने के लिए द ऑसम बातू केव्स। तो हमारे जो हॉस्टल है उसके पास में ही ना एक बहुत ही बड़ा गणेश जी का भी मंदिर है। इधर सुबह शाम लोग इधर आते रहते हैं आरती करने दर्शन करने के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। इसके पास में ही मंदिर के देखिए आपको वेज रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ इधर मिल जाता है नाश्ता पानी करने के लिए। मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ना कि मैं हमेशा मंदिर पास कर रहा हूँ जो दो दिन से, तो बहुत सारे लोकल लोग हैं ना जो मलय चाइनीज़ है वो भी इधर रोज़ आते हैं दर्शन करने के लिए। दैट इज़ द पावर ऑफ बिलीफ यार, विश्वास होना चाहिए, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आप कोई भी मंदिर जाए मस्जिद जाए जो आपको बिलीव करना है आप कर सकते हो, जब तक आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी रहे हो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो वेल विथ यू। तो बातू केव्स जो है सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, पर इतना भी दूर नहीं है कि आप आराम से नहीं पहुंच सकते हो। आप कैब से भी जा सकते हो बट बहुत अच्छा कन्वीनियंट तरीका है यहाँ से ट्रेन लेके जाना। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा हमारे हॉस्टल के पास में मेट्रो स्टेशन है और इधर से एक ही चेंज करनी पड़ेगी और हम सीधा बातू केव्स पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि उधर पहुँचने का खर्चा हम लोगों को कितना तक आता है। मलेशिया में आप किधर भी जाओगे कुआलालंपुर में खास करके ना आपको मशीन के बिना ना कहाँ पे भी टिकट निकालने पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया जैसे यहाँ पे काउंटर्स है पर कोई भी फिजिकल टिकट सबको देता ही नहीं है, आपको इन मशीनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है टिकट्स के लिए। तो ये रेड वन जो है केएल सेंट्रल जो है ना ये सबसे बड़ी लाइन है इनकी, ये एयरपोर्ट की भी एक्सप्रेस इधर से जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। ओके, तो अभी केएल सेंट्रल आ गया। ये एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से इंटरचेंज आता है जो आप यूज़ भी कर सकते हो एयरपोर्ट जाने के लिए, बट अभी तो हमें जाना है KTM कंप्यूटर पकड़ के बातू केव्स की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि उसका प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन कहाँ पर आता है। तो टिकट मैंने निकाल दी, अभी मुझे टिकट पड़ी है राउंड अबाउट 91 रुपीज़ में राउंड ट्रिप आई है जो बहुत सस्ता और बहुत कन्वीनियंट है। तो आप जब भी कुआलालंपुर में जैसे मैं डे वन से व्लॉग्स में बोल रहा हूँ कि आते हो तो यहाँ पे ओनली ट्रेन्स लेके घूमे, बहुत सस्ता और बहुत कन्वीनियंट है और पॉइंट टू पॉइंट पहुँचा देता है। ये ट्रेन बेसिकली जैसे हमारी अभी नई दिल्ली से जो कानपुर जाने वाली RRTS नेटवर्क है ना उसके ऐसे फास्ट जाती है, थोड़ी बहुत बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है और बहुत अच्छा और कन्वीनियंट पड़ जाता है भाई। और ये लो जी अपनी ट्रेन भी आ गई यहाँ पे। संडे को आ गया मैं इधर, भीड़ देखो यार क्या है, ऐसा लग रहा है इंडिया के कोई पॉपुलर मंदिर में आ गया हूँ मैं। सेम टू सेम रश है, सेम टू सेम वाइब्स है, मार्केट लगा हुआ है, स्टॉल्स है, इंडियन स्नैक्स बिक रहे हैं। लो जी आ गए हम फाइनली बातू केव्स में और यहाँ पे है लॉर्ड मुरुगन का बहुत बड़ा स्टैचू और वहाँ पे जो है वो कलरफुल स्टेप्स जो जा रही है वो सीधा आपको गुफा यानी केव्स के अंदर लेके जाती है। ऑपोजिट साइड पे आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं एज वेल एज यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडियन फूड मिल रहे हैं। आपको बातू केव्स के यहाँ पे ना बहुत सारे आपको ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे शेविंग बॉल्ड और ईयर पियर्सिंग। तो इसका सीन ये है कि आप कोई भी अगर मेनली साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाते हो जैसे कि आप तिरुपति में जाते हो या बहुत सारे और भी है तमिलनाडु एंड आसपास के रीजन्स में, तो लोग एज अ ऑफरिंग अपना बाल ऑफर करते हैं। तो इधर भी जो है मलेशिया में जो बातू केव्स में आते हैं लॉर्ड मुरुगन के टेम्पल में लोग यहाँ पर अपना पूरा बाल अर्पण करते फिर अंदर जाते मंदिर के दर्शन करने। ऑल राइट, तो अभी लॉर्ड मुरुगन का आशीर्वाद लेने के लिए अभी ऊपर जाते हैं बातू केव्स में। 272 सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ पे ऊपर तक, तो आपको 272 सीढ़ी चढ़ने के बाद केव्स मिलेगी। और ध्यान रखिए कि ये सीढ़ी जब आप चढ़ोगे तो आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे आजू बाजू, तो ज़रा ध्यान रखिए कोई सामान ना छीन के आपका लेके जाए। वो
देखे वो दादी अम्मा इस एज में भी आधा पॉइंट कर चुकी है और जस्ट अभी ऊपर पहुंच ही रही है वो। और आखिर में आ गए हम बातू केव्स में और उधर आपको मेन टेंपल दिखाई दे रहा है श्री वेदुथायर का और आप अंदर जाके दर्शन दे सकते हैं और थोड़ा सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको केव्स में जाने मिल जाता है। मुझे ना मलेशिया के बारे में ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा लिबरल है यहाँ के लोग। जनरली लोग मुस्लिम कंट्रीज रहते हैं ना थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं, बट आप देख सकते हैं पीछे एक लड़की बैठी है बुरके के साथ और मैंने बहुत जगहों पे देखा है, जैसे मैंने आज सुबह भी बताया, यहाँ के लोकल मले चाइनीज़ हो या इवन मुस्लिम्स हो, वो लोग मतलब यहाँ पे टेंपल्स में आते हैं, माथा टेकते हैं, जो भी है एकदम ही चिल सा लिबरल सा एनवायरनमेंट है मलेशिया में। इसके लिए ना मुझे ये बार बार आने अच्छा लगता है इधर, और कहीं ना मैं विश भी करता हूँ कि हमारी कंट्री भी ना एग्जैक्टली यही तरीके से एक पेशेंस लेके आगे चलेंगे ना तो सब लोग के लिए अच्छा रहेगा और डेवलपमेंट में ज़बरदस्त होगी। तो इसी बात पर एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल के लिए। क्या ब्यूटीफुल शॉट्स आ रहे हैं इधर मंदिर के, आप देखिए तो ज़रा वो गुफा के जो बीच में ओपनिंग है उसमें से जो सनलाइट एग्जैक्टली मंदिर के जो टॉप है डोम पे गिर रहा है और इतना सुंदर लग रहा है ये, क्या बताऊँ आपको। तो दर्शन हो गए अभी अभी और कपड़े भी पूरे गीले हो गए, तो दर्शन और वर्कआउट आज दोनों हो गया मेरा साथ साथ में। तो आप जब भी इधर आते हैं अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो एक चेंज ऑफ क्लोथ ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि आपको लगने ही वाला है अगर आपका दिन लंबा है। मैं तो आज फंस गया हूँ तो पर यही है तो ये सूखने तक अभी रुकना पड़ेगा मुझे। मंदिर के ठीक सामने आप दर्शन करने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट में, इधर आ सकते हो और आप वेज फूड एंजॉय कर सकते हो। मेनली जो साउथ इंडियन तमिल फूड है, इडलीज है, डोसाज है, वड़ाज है, ये सारी चीज़ों के रेस्टोरेंट्स इधर ज़्यादा है एंड द फूड लुक्स वेरी नाइस। कुछ ही देर में मैं ट्राई भी करने वाला हूँ, लेट्स सी हाउ इट इज़, और प्राइस क्या है वो भी बताऊँगा बाद में आपको। अभी जो रेस्टोरेंट पे आया हूँ यहाँ पे थाली भी है और आपको यहाँ पे जो है इंडियन खाना भी है नाश्ता वगैरह में जो आपको चाहिए। तो ऐसे आपका वेज थाली जो है ना 11 ringgit 170 rupees का आता है और नॉन वेज थाली आपको 14 ringgit का आता है, राउंड अबाउट कुछ 220-225 के आसपास का। तो मैंने 2 लिया है और कॉफ़ी लिया जो 8 ringgit हुआ है मुझे। तो इतना सारा चीज़ मेरे को 100 rupees में आया है। देखिए ये डोसा फिल्टर कॉफ़ी 91 rupees ओनली, वो भी इतने अच्छे रेस्टोरेंट में मंदिर के बाहर। मलेशिया में मुझे एक रॉयल एनफील्ड दिख गई और कहा नहीं दिखी यार, ये भाई साहब जो उधर बैठे हैं ना उनकी है, तो उन्होंने ये इंडिया से स्पेशली इंपोर्ट कराई है और कह रहे हैं कि ये बाइक उनको यहाँ के करेंसी में 45,000 ringgit यानी कि 7,91,000 पड़ी है। इनको इतना शौक है बाइक्स का बोल के इन्होंने मला है, पर उन्होंने एक स्पेशल चीज़ भी मुझे बोली है कि ये बाइक है ना इधर कैप्ड 150 cc तक ही फॉर सम रीज़न, क्योंकि मलेशिया में लोअर cc की बाइक जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे जा रही है यही यहाँ पे चलती है 100-125 मैक्सिमम 150, फिर सीधा सुपर बाइक्स है। तो ये 350 cc की उनकी रॉयल इनफील्ड जो है उनको फॉर सम रीज़न कैप करके रख दिया है यहाँ के गवर्नमेंट ने, बट भाई ने 8 lakh rupees भरा है भाई बाइक के लिए, मानना पड़ेगा ये पैशन रहता है। यहाँ पे काफ़ी अपने पंजाबी भाई भी दुकान लगा के बैठे हैं, सब जलेबी बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं, स्नैक्स बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इधर ना एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ है जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, जो चॉकलेट पानी पूरी है। थैंक्स सर, वेरी नाइस। मोगल महल रेस्टोरेंट पकोड़ा, व्हाट इज दिस पकोड़ा? वेजिटेरियन? हां वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, कैन आई ट्राई वन प्लीज? थैंक यू। एंड विद दिस इज वेज समोसा। हेलमेट बाजू है यार, ओह वेरी नाइस। दिस इज मोगल महल रेस्टोरेंट। ओह नाइस। नाउ हाउ मच फॉर वन बैग लाइक दिस? 8 ringgit। Okay, nice. And jalebi per plate? Four piece 10 ringgit.
वो पीस का 10 रिंगेट में है क्या? बढ़िया भाई, ट्राई करो। नहीं भाई अभी खाना खा के आ गए, उन्हें तो और खाते रहूंगा पूरा। मीठा खाना चाहिए। चलो भाई थैंक यू आपके लिए। चलो भाई का इधर ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे यूट्यूब पे वायरल हो जाएंगे बोल रहे हो गया तो मेरे लिए भी अच्छा है ना, आपके लिए भी अच्छा है, लोग आएंगे। ये दोनों आपके ही है ना? ये भी हमारा ही है, खाना है सारा। अच्छा पूरा अपना पंजाबी पंजाबी खाना सब है क्या? बढ़िया बढ़िया, एटली वीडियो में डालूंगा, लोग आएंगे तो पता तो चलेगा ना। चलो भाई साहब थैंक यू भाई। अरे आपका चलो चल कुछ भी बोलो भाई, पंजाबी किधर भी मिल जाते हैं ना तो वाई भी रहते हैं अपने में अलग एक, ठीक है ना? कितने फ्रेंडली थे भाई वहाँ पे। तो ये था सारा वीडियो गाइस, आई होप आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और कैसे मलेशिया सारी चीज़ें कितनी ब्यूटीफुली बैलेंस कर लेता है, एटलीस्ट फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। अंदर कुछ होगा नहीं होगा आई रियली डोंट नो, आप में से किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करने भूलिए मत। तभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है। तभी तक मिलते हैं अगले जर्नी में, स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।